हाँ जी भाई साहब, मेरे बच्चे के एग्जाम चल रहे हैं। पर मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाता बहन जी। नहीं, ट्यूशन तो मैंने उसका लगवा रखा है। तो क्या फीस भर दूं? अरे नहीं, वो असल में मेरे लड़के के एग्जाम है और आपके घर से पूरा दिन शोर आता है। कैसा शोर? मैं शोर तो नहीं हूँ, लेकिन मार धाड़ का। वो क्या है ना, मैं और मेरी बीवी रोज एक्शन मूवी देखते हैं ना, लेकिन इससे आपको क्या दिक्कत है? अरे भाई साहब, अभी तो बताया कि मेरे बच्चे के एग्जाम चल रहे हैं, उसकी पढ़ाई पे असर पड़ता है। अरे बहन जी, घर हमारा, टीवी हमारा, इससे उसकी पढ़ाई पे क्या असर पड़ रहा है? भाई साहब, दिक्कत मुझे नहीं, मेरे बच्चे को हो रही है पढ़ने में, क्योंकि आपके घर से इतना शोर आता है। देखो बहन जी, जिस बच्चे को पढ़ना होता ना, वो कहीं भी पढ़ लेता है, उसे शोर शराबे से फर्क नहीं पड़ता। अरे तो क्या ढोल बजवा दूं? अरे बहन जी, तुम ढोल बजवाओ चाहे मत बजवाओ, पर यहाँ भोपू बंद कर लो अपना। अरे भोपू तो आप बंद करिए, थोड़ी सी आवाज मंदी करने को तो कह रही हूँ। ठीक है बहन जी, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश कुछ नहीं करनी, आवाज मंदी कर लीजिए कुछ दिन। अरे बहन जी, नहीं कर सकता, मेरी बीवी को सुनाई नहीं देता है। अपनी मायके से होम थिएटर उठा लाई है, जब मर्जी होता है उसे चला लेती है। अरे तो ऐसी औरत से शादी क्यों की? मुझे पता नहीं था ना कि आप जैसे पड़ोसी मिलेंगे मुझे, और बोलने को तो मैं भी बोल सकता हूँ कि आपने बच्चा क्यों पैदा किया। अरे तो मुझे भी नहीं पता था ना कि आप जैसे पड़ोसी मिलेंगे। खैर, अब जो हो गया सो हो गया, अब या तो कुछ दिन टीवी मत देखो या आवाज मंदी करके देखो। देखो बहन जी, इस बात की मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ। अरे कैसे इंसान है आप? आपके अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है? अरे बच्चा है वो, कल को आपके भी तो बच्चे होंगे। हाँ तो उसके लिए मैं साउंड प्रूफ कमरा बनवा दूंगा, फिर चाहे बाहर ढोल भी फट जाए, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। अरे मैं भी बनवा लूंगी साउंड प्रूफ रूम, लेकिन अभी के लिए अपनी बीवी को समझा लीजिए आप। देखो बहन जी, मेरी बात मानो, वो नहीं समझेगी। अरे ऐसे कैसे नहीं समझेगी, आप बुलाइए उन्हें, मैं बात करती हूँ। आप बात करोगी ना? पक्का बात करोगी? हाँ अभी बुलाता हूँ। रूपा, रूपा आ रही है। हाँ बोलो। रूपा जी, हमारे पड़ोसी आए हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, आइए अंदर आइए। भाभी जी, मैं आने के लिए नहीं, आपसे कुछ कहने आई हूँ। जी बोलिए। दरअसल मेरे बच्चे के एग्जाम चल रहे हैं और आपके घर से बहुत ज्यादा शोर आता है टीवी का, तो उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। टीवी का? हाँ टीवी, वो एक्शन मूवी जो देखते हैं हम दोनों। हाँ ये सही कह रहे हैं। तो आप बुरा ना माने तो 10-15 दिन के लिए एडजस्ट कर लीजिए, बच्चे के एग्जाम खत्म हो जाएंगे, फिर आप आराम से एक्शन मूवी देख लीजिएगा। 10-15 दिन बिना एक्शन के? मेरा मतलब है बिना एक्शन मूवी के, मैं कैसे रह पाऊंगी? तो एक काम करती हूँ, मैं आपको अपने बच्चे का टाइम टेबल भेजती हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग अपना टीवी का शेड्यूल बना लीजिए। हाँ ये ठीक रहेगा। तो ठीक है, मैं आज शाम को ही अपने बच्चे का टाइम टेबल आपको भेज देती हूँ। और भाई साहब, आप बेकार में कह रहे थे भाभी जी बह रही है, ये तो अच्छा खासा सुनाई देता है। अच्छा मैं चलती हूँ, राम राम। तुमने मुझे बहरी बोला, पिटाई भूल गया हो क्या तुम? नहीं नहीं, रूपा रूपा सुन, मैं बताती हूँ, इधर आना। चलो क्या बोला तुमने, लगता है पिटाई भूल गया तुम। अरे तुम भूलने का देती हो, रोज मार मार के याद तो दिला देती हो। अरे 10 दिन की बात है, मान जाओ, बख्श दो मुझे। शुक्र करो मैंने उसे बोला कि हम एक्शन मूवी देखते हैं, ये नहीं बताया कि रोज तुम मुझे कूटती हो। अरे मैं तो तुम्हें खुद नहीं कूटना चाहती, लेकिन बढ़ाया होशियार बनाया। बेटा मैं भी शादीशुदा हूँ, मुझे भी पता है कि मारधाड़ टीवी पे नहीं, तेरी असल जिंदगी में चल रही है। और तुम गलती नहीं करती क्या? तुम कोई अवतार हो? मैंने कभी कुछ बोला तुम्हें? ज्यादा बकवास मत करो, जाके बर्तन धो लो, सुबह से पड़े हैं। धो रहा हूँ। चुड़ैल। क्या बोला तुमने? कुछ नहीं, बीवी बाबू चौथा।